रुड़की के खानपुर में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला का शिलान्यास किया। पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में कई विकास परियोजना का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। वही कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। भीड़ को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 3,50,00,000 की लागत से बने राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास किया था। और आपको बता दें, सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल पाई, सरकार के पास सीमित संसाधन है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम भारत के चित्र में सबसे पहले हो। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड मोदी सरकार के एजेंडे में पहले नंबर पर है। कार्यक्रम में पहुंचे खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि ग्रामीण विधायकों के पास जो विधायक निधि आती है वह बहुत कम है। शहरी विधायकों से विधायक निधि काटकर ग्रामीण विधायकों को दी जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। वही लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने मांग की है कि खेत से घास ला रहे किसानों की मोटरसाइकिल के जो चालान काटे जाते हैं उन पर तत्काल रोक लगाई जाए। पुलिस का रवैया लोगों के साथ सही नहीं, पुलिस के रवैये पर अंकुश लगाया जाए। सब शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको मेरा यहाँ से जब मैं बोल रहा था शायद आपने सुना नहीं, हमने कहा है हम जब घोषणाएं जो करेंगे उनको पूरा करेंगे, जो शिलान्यास करेंगे उनका लोकार्पण करेंगे। सर, नौकरियां जो हैं अभी आपने कहा है कि एक मतलब एक विंडो सिस्टम कर दिया जाएगा, क्या रहेगी व्यवस्था, किस तरह से रहेगा? नहीं, वो व्यवस्था हमारी प्रारंभ हो गई है। हमने कहा है कि नौकरियों की जो रखे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उसके अध्याचन हो गए और उसके विज्ञापन होकर 15 अगस्त के बाद जो है उनमें प्रक्रिया शुरू होगी। तो आगे बढ़ेंगे जहाँ पर उत्तराखंड की महिला, आपको बताते कि विकास एवं बाल कल्याण मंत्री रेखारे के पति गिरधारी लाल साहू के खिलाफ बरेली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है और वो मंत्री के पति पर सरकार का संरक्षण देने का आरोप लगा रही है। वही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि यह 25 साल पुराना मामला है और मंत्री का इससे कोई मतलब नहीं है। पर मदन कौशिक के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि मामला 25 साल पुराना हो गया है। 25 दिन हो या फिर 25 साल, हत्या तो हत्या होती है। कैबिनेट मंत्री के पति के खिलाफ हत्या के मामले में कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बोलना चाहता हूं मदन भाई को, कौशिक जी को मैं बोलना चाहता हूं कि भाई बात 25 साल और 30 साल की नहीं है, बात नियत की है। या आपकी सरकार की नियत क्या है? कोई बात है, कोई बात नहीं, 25 साल पुराना मामला है, लेकिन आज अगर वो प्रकाश में आया है तो क्या उनके पास हिम्मत है कि वो उन मंत्री जी से कहें कि आप इस्तीफा दीजिए? वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उस पार्टी के, और उनके निश्चित रूप में उनकी पार्टी को और उनकी पार्टी की सरकार की छवि पर बट्टा लगा है, तो उनके अंदर हिम्मत है। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ कि वो जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम करें। बेकार ये जब विधायक बनी, ये मुकदमा आपसे 25 से 30 साल पुराना है। रेखार्य तब राजनीति में भी नहीं आई होगी, उसके बाद रेखार्य MLA बनी, तब इनको याद नहीं आया होगा। बाद में उसने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई, तब इनको वो सारा याद आया है। देखिए, 25-30 साल पुराना इस प्रकार का मैटर जो मंत्री बनने से काफ़ी पहले, विधायक बनने से काफ़ी पहले, और वो न्यायालय में इस समय विचाराधीन है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर इस प्रकार की टिप्पणी करना ये ठीक नहीं। वो राजनीति में भी नहीं थी और वो सीधे तौर पर विजुअल बना रहे तो 15 अगस्त को लेकर तैयारी चल रही है। वहीं इस बार स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम पुलिस लाइन में किया जाएगा। साथ ही इस बार बेहद कम लोग शामिल होंगे, कोविड गाइडलाइंस लागू है, इसीलिए इस बार VIP और दर्शकों की सीमित संख्या रखी गई। करीब 300 लोग ही इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। अभी तक आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन राजधानी के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाता रहा, लेकिन इस बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत
परेड ग्राउंड में कार्य चल रहा है, इसीलिए समारोह को पुलिस लाइन में शिफ्ट कर दिया गया है। देहरादून के SSP योगेंद्र सिंह रावत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस लाइन में ही मुख्यमंत्री द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और परेड की सलामी ली जाएगी। इसके बाद विजेताओं को पदक वितरित किए जाएंगे। अब 15 अगस्त में इस बार जो परेड है और जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ध्वजारोहण है वो पुलिस लाइन में किया जाएगा और परेड के द्वारा इसको सलामी दी जाएगी और उसके बाद जो पदकधारी और मेडल विजेता हैं इनको पदक और पुरस्कार वगैरह वितरित किए जाएंगे। कि कोविड गाइडलाइन अभी लागू है इसलिए इसमें जो दर्शक और MITs हैं उनकी संख्या लिमिटेड रखी गई है और ये संख्या जो मेरे को जानकारी है वो 300 रखी गई। तो उत्तराखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रणेश गोतियाल के बाद ट्विटर ने अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी खुद हरीश रावत ने अपने दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करके दी है। आपको बता दें कि मंगलवार को उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल का ट्विटर अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया था। वहीं हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि लोकतंत्र में मुझे चुप कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने मुहिम के तहत मैं भी राहुल हूं को लेकर एक दलित परिवार का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था। ट्विटर इंडिया ने मेरा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। वहीं यह शर्त रखी है कि जब तक उस पोस्ट को हटा दिया जाएगा तो मेरा अकाउंट चालू हो जाएगा। ट्विटर पर ब्लॉक होने के बाद हरीश रावत ने फेसबुक पर इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही कहा ट्विटर की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक ये पोस्ट नहीं हटाया जाता तब तक उनका अकाउंट अनब्लॉक नहीं किया जाएगा। आपको बता दें मैं भी राहुल हूँ मुहिम को लेकर ये पोस्ट किया गया था और हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट जो है पॉलिसी के उल्लंघन के तहत ब्लॉक कर दिया गया है। पूर्व CM हरीश रावत का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया गया और आपको बता दें ट्विटर पर ब्लॉक होने के बाद फेसबुक पर उन्होंने पोस्ट लिखा और कहा ट्विटर ने ब्लॉक किया है उनका अकाउंट। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं इस बार AIMIM भी उत्तराखंड में 22 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी के बाद AIMIM ने उत्तराखंड में BJP की मुश्किलें बढ़ा दी। AIMIM ने अभी साफ नहीं किया कि वो किस किस सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जल्द ही असोवित्रीन ओवैसी उत्तराखंड आएंगे और चुनाव का बिगुल बचाएंगे। तो 2022 में 22 सीटों पर AIMIM इस बार चुनाव लड़ेगी और आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जल्द उत्तराखंड भी आएंगे और चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो तय की जाएगी। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। CM पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी समेत कई लोगों से मुलाकात की है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के उत्तराखंड दौरे से पहले CM धामी का यह दौरा आपको बता दें काफी अहम माना जा रहा है। CM धामी ने बताया है कि गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन के सर्वे को लेकर बातचीत हुई जिससे इस मार्ग पर रेलवे लाइन बिछ सके। वहीं कुमाऊं मंडल में एम्स खोलने को लेकर भी बातचीत हुई। वहीं CM धामी ने यह भी बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से लखवाड़ बहुउद्देशीय बांध परियोजना में केंद्र सहायता और किसाऊ परियोजनाओं को लेकर बात हुई है। दुष्यंत गौतम, BL संतोष, कोश्यारी से भी CM ने मुलाकात की। नड्डा के उत्तराखंड दौरे से पहले CM पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे थे जहां पर कई बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की।
2022 के चुनावी और रणनीति और पार्टी के कामकाज को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर आएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 अगस्त को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पार्टी के बड़े नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ विधायकों और मंत्रियों की बैठक होगी। जेपी नड्डा का दौरा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता जाता है क्योंकि उत्तराखंड के विधानसभा चुनावों के लिए सिर्फ 5 महीने का वक्त ही रह गया है। ऐसे में पार्टी की क्या रणनीति है और किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और जनता के बीच जाना उसकी रणनीति और रोडमैप क्या रहेगा, उसको लेकर जेपी नड्डा पार्टी संगठन की नब्ज टटोलेंगे। जी के लगभग 10 तरह के कार्यक्रम हैं। इसमें हमारे जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और मेयर हैं और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, हमारी कोर कमेटी है, हमारी टोली की बैठक है, हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, सैनिकों के साथ संवाद है, संतों के साथ आशीर्वाद का कार्यक्रम है। ये इस प्रकार के बड़े कार्यक्रम 10 हैं और उनको आज हम अंतिम रूप दे रहे हैं। तो दिल्ली दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सदन में राज्य के सांसदों के साथ बैठक की। सीएम ने उत्तराखंड के विकास को लेकर कई बिंदुओं पर उत्तराखंड के सांसदों के साथ चर्चा भी की है। वहीं इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय टमटा, माला राज्य लक्ष्मी शाह, अनिल बलूनी, नरेश बंसल समेत कई नेता मौजूद रहे। दिल्ली में उत्तराखंड के विकास पर चर्चा की गई। राज्य के सांसदों के साथ सीएम ने बात की और इसके साथ ही आने वाले समय में चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, इसको लेकर चर्चा की गई। आगे बढ़ेंगे जहां पर देहरादून के जिलाधिकारी, आपको बता दें डॉक्टर आर राजेश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा लेने पुलिस लाइन रेनकोट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड और नगर निगम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने आशा सेटिंग, अरेंजमेंट, डेकोरेशन, साफ सफाई, साउंड सिस्टम, बारिश को देखते हुए वाटरप्रूफ सिटिंग अरेंजमेंट के लिए भी कहा। साथ ही कोरोना को देखते हुए 15 अगस्त को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का निर्देश भी दिया। नगर निगम देहरादून को आयोजन स्थल पर व्यापक सैनिटाइजेशन और साफ सफाई के लिए भी निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि कोरोना स्वतंत्रता दिवस का आयोजन सावधानी और सजगता से मनाया। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करने को लिए दिशा निर्देश निगम को भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर जारी किए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें 15 अगस्त की तैयारी में पूरा प्रशासन जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने पिथौरागढ़ मुख्यालय में भू कानून की मांग को लेकर धरना दिया। बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दल के सदस्यों ने कहा कि यूकेडी प्रदेश में भू कानून लागू करने की पक्षधर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने भू माफियों के लिए छूट दी गई। उत्तराखंड और हिमाचल में भू कानून जल्द लागू होने चाहिए ताकि यहाँ की बेशकीमती जमीन माफियों से बच सके। इधर भाजपा की सरकार ने तो भू कानून स्वतंत्र कर दिया है, कोई भी पूरे गांव के गांव भू माफिया खरीद सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी हिमाचल की तर्ज पर धारा 371 लागू की जाए और बाहर के लोगों को यहां जमीन खरीदने का अधिकार न दिया जाए ताकि यहां के गरीबों की जमीनें बच सकें।
और हमारा अस्तित्व बच सके, हमारा जमीर बच सके। चलिए इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंटर न्यूज़।